सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी, गेट एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग आरआरबी जेई सीबीटी 2 जो कि एग्जाम होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का, इलेक्ट्रिकल डोमेन। सो इलेक्ट्रिकल मशीन एक सब्जेक्ट देखने के लिए मिलता है, उसमें ऑफिशियल टेक्निकल पेपर विथ की के बारे में आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन के। ये कहीं से कॉपी पेस्ट किए हुए क्वेश्चंस नहीं है, आरआरबी जेई के जो ऑफिशियल लास्ट जो रिक्रूटमेंट हुआ था आरआरबी जेई का, उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर में से इलेक्ट्रिकल मशीन्स के क्वेश्चंस को सेग्रीगेट करके ये क्वेश्चंस अरेंज किए हुए हैं, जिससे हम लोगों को सब्जेक्ट्स का पता लगेगा। लास्ट ईयर पेपर्स को एनालिसिस करने से ये समझ में आया, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन एक अच्छा खासा वेटेज रखता है। 22-25% क्वेश्चंस आप 150 क्वेश्चन सीबीटी 2 के 150 क्वेश्चन में से 22-25% क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन से। तो ऑब्वियस सी बात है, अच्छा खासा वेटेज है। हम लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में कहाँ से आए हैं, कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जो कि मशीन के सिलेबस में है, जिस पर हम लोगों को बहुत ज़्यादा फोकस करना है। देखिए, एक भी टॉपिक आप छोड़ के तो जा नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोगों को आइडिया तो होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक से वेरी फ्रीक्वेंटली प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओवरऑल सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है। इलेक्ट्रिकल मशीन क्या है, इलेक्ट्रिकल मशीन पावर सिस्टम, ये दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, बहुत वास्ट सिलेबस है। पावर सिस्टम का सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, नंबर ऑफ टॉपिक्स छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, नंबर ऑफ टॉपिक्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रिकल मशीन में 4-5 मेन टॉपिक हैं, लाइक ट्रांसफार्मर, डीसी मशीन, सिंक्रोनस मशीन, इंडक्शन मशीन। अब वो सिंगल फेज 3 फेज सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, स्पेशल पर्पस मशीन वगैरह के बारे में बात करें तो देखिए नंबर ऑफ टॉपिक 4-5 ही हैं, ज़्यादा टॉपिक नहीं है, लेकिन क्या है डेप्थ ऑफ द कवरेज बहुत ज़्यादा है सब्जेक्ट में। आपको एनालिसिस एनालिटिकल माइंड होना चाहिए मशीन को समझने के लिए, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से की पॉइंट्स हैं वेरी फ्रिक्वेंटली प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए किस तरीके का, देखिए आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चंस आंसर सॉल्यूशन वाला सेशन नहीं है, ये जस्ट क्वेश्चन हम लोग रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है। विच सेमीकंडक्टर डिवाइस कैन बी यूज टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ डीसी मोटर, तो डीसी मशीन के स्पीड कंट्रोलिंग से ये एक नया क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है। जैसे कि हम लोग थर्मिस्टर, थायरिस्टर, ये सारे जो डिवाइसेस हैं, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस हैं जो कि हम लोग फील्ड सर्क्यूटरी में कनेक्ट करके स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर परफॉर्म करते हैं। तो थायरिस्टर इज द बेस्ट ऑप्शन, जो कि थर्मिस्टर कुछ ऑप्शन में दिया हुआ था, थर्मिस्टर, थायरिस्टर ऐसे कुछ ऑप्शन दिए हुए थे, थायरिस्टर इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर। तो स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर से ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है। देन नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं अल्टरनेटर, एसी मशीन का क्वेश्चन, अल्टरनेटर सिंक्रोनस मशीन विद अ 20 पोल रनिंग एट 300 आरपीएम जनरेट अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ, देखिए आपको पोल्स दे दिए हुए हैं, स्पीड दे दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो एफ इज इक्वल टू पी एन बाई 120, डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट अप्लाई करिए, सारी वैल्यूज दी हुई हैं, इजिली आपको आंसर मिलता है जो कि होता है 50 हर्ट्ज, राइट। तो फोकस करिए इन सारी चीज़ों पे, न्यूमेरिकल पूछा हुआ है क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वन लाइनर क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा एनालिसिस या फिर ज़्यादा आपको स्टेप बाय स्टेप जाने की जरूरत नहीं है, इसमें सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग बात करें द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड एंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर इज नोन एज, तो ऑब्वियसली बात है सिंक्रोनस स्पीड NS और जो एक्चुअल स्पीड है रोटर की NR, उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, स्लिप की, स्लिप से हम लोग जानते हैं स्लिप होता है डिफरेंस, राइट। तो स्लिप आपको इंडक्शन मशीन में देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस लेस देन द परमे, देखिए मैग्नेटिक सर्किट से क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है इलेक्ट्रिकल मशीन में, मैग्नेटिक सर्किट जब ट्रांसफार्मर आप पढ़ते हैं, ट्रांसफार्मर पढ़ने से पहले, क्योंकि सारी मशीन्स में क्या है, फ्लक्स है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स है, ससेप्टिबिलिटी है, रिलक्टेंस है, इन सारी चीज़ों की, फ्लक्स डेंसिटी है, इन सारी चीज़ों का एनालिसिस कहाँ से आएगा आपको, जब आपका मैग्नेटिक सर्किट स्ट्रांग रहेगा तभी तो आप सारी मशीन पढ़ पाएंगे। और सारी की सारी जितनी भी मशीन्स है, डीसी मशीन, ट्रांसफार्मर, इंडक्शन, सिंक्रोनस, सभी में फ्लक्स
फ्लक्स डेंसिटी, MMF, रिलक्टेंस, ससेप्टिबिलिटी, इन सारी चीज़ों के बारे में बात हो, रिलेटिव परमेबिलिटी। तो मैग्नेटिक सर्किट वाले पोर्शन को आप स्ट्रॉन्ग करके जाइएगा, देखिएगा दो तीन क्वेश्चन मैग्नेटिक सर्किट से इस पेपर में पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में। देन रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस लेस देन द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इज नोन एज डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो टाइप्स ऑफ मटेरियल आपको पता होना चाहिए, डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, इनकी रिलेटिव परमेबिलिटी का रेंज कहाँ से कहाँ तक का होता है, वन किसका होता है, ग्रेटर देन वन किसका होता है, स्मॉलर देन वन किसका होता है, और कुछ मटेरियल्स जैसे कि सब्सटेंसेस लाइक एलिमेंट्स के का नाम भी याद रखिए कि कॉपर क्या है, डायमैग्नेटिक है, पैरा एल्यूमिनियम क्या है, गोल्ड क्या है, सिल्वर क्या है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, फेरी मटेरियल्स क्या हैं, तो इनके बारे में आइडिया होना चाहिए आपको। देन हम लोग बात करें ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पूछा हुआ है, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है। तो देखिए ये भी एक मैग्नेटिक सर्किट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, लगातार क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रहे हैं रिलेटिव परमेबिलिटी एंड देन ससेप्टिबिलिटी के बारे में आपको पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग कहाँ से पूछा हुआ है, डीसी मोटर से क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, फुल लोड स्पीड दी हुई है, स्पीड रेगुलेशन 10% दिया हुआ है, विल हैव अ नो लोड स्पीड ऑफ, तो आपको फुल लोड स्पीड, स्पीड रेगुलेशन का फॉर्मूला अप्लाई करिए, डायरेक्टली आपको नो लोड स्पीड मिलेगा जो कि 825 आरपीएम के साथ मशीन रन कर रही होगी। तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा एनालिसिस, ज्यादा स्टेप्स की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन देखिए, फॉर्मूला मालूम है, डायरेक्टली पुट करिए, आंसर निकालिए, ऑप्शन टिक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओपन सर्किट टेस्ट से, ट्रांसफार्मर के टेस्टिंग पार्ट से, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, इन सारी चीजों के बारे में आइडिया होना चाहिए। ओपन सर्किट टेस्ट किस तरह परफॉर्म करेंगे, एचवी एलवी, शॉर्ट सर्किट टेस्ट एचवी एलवी किस तरह परफॉर्म करेंगे, क्या एडवांटेजेस है एचवी साइड परफॉर्म करने का या एलवी साइड परफॉर्म करने का, तो ये सारी आइडिया होना चाहिए, बेसिक ओवरव्यू। तो ओपन सर्किट टेस्ट कंडक्टेड टू डिटरमाइन कोर लॉसेस, ऑब्वियसली बात है आयरन लॉसेस डिटरमाइन करने के लिए, क्योंकि कोर लॉसेस क्या होते हैं, हिस्टेरेसिस एंड हॉडी करेंट लॉसेस का कॉम्बिनेशन जो कि कोर लॉस होता है वो डिटरमाइन करने के लिए हम लोग ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करें, व्हेन द रोटर ऑफ अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर रन्स एट अ सिंक्रोनस स्पीड इट्स रोटर फ्रीक्वेंसी विल बिकम, रोटर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, व्हेन द रोटर ऑफ अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर रन्स एट सिंक्रोनस स्पीड, एनआर जब एनएस को रीच कर जाए, एनआर रोटर की जो स्पीड है वो इंक्रीज होके एनएस सिंक्रोनस स्पीड को रीच कर जाए, तो उस केस में रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एफ आर इज इक्वल टू स्लिप टाइम्स ऑफ एफ एस होती है, स्लिप टाइम्स ऑफ सप्लाइड फ्रीक्वेंसी, सप्लाइड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हो सकती है, 60 हर्ट्ज हो सकती है, स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी जब रोटर एनआर की वैल्यू एनएस को पहुंच चुकी है, स्लिप इज इक्वल टू एनएस माइनस एनआर डिवाइडेड बाय एनएस होता है ना, तो एनएस माइनस एनआर, एनआर किसको पहुंच चुका है, एनएस को, तो एनएस माइनस एनएस क्या हो जाएगा, जीरो, तो स्लिप की वैल्यू क्या आ गई, जीरो, स्लिप जब जीरो हो गया तो रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, एफ आर इज इक्वल टू स्लिप टाइम्स ऑफ एफ एस होता है, जब स्लिप जीरो हो गया किसी भी चीज को आप किसी भी वैल्यू को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं क्या मिलेगा, जीरो। डायरेक्ट क्वेश्चन, इन अ टू पोल लैप वाइंडिंग, डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन से ये लैप वाइंडिंग वेव वाइंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। टू पोल लैप वाइंडिंग, नंबर ऑफ पोल्स दिए हुए हैं, लैप वाइंडिंग दिया हुआ है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 2 ओम, द टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स इज 100 ओम, द टोटल आर्मेचर रेजिस्टेंस से आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, आरए, तो टोटल आर्मेचर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अगर आपको मालूम है डायरेक्टली फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करिए, आंसर निकालिए, 50 ओम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग बात करें, देखिए यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हुए थे, हम लोग जानबूझ के केवल आंसर की रखे हुए हैं, जिससे हम लोगों का आज का ये सेशन का मतलब ये है कि सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्वेश्चंस को, जस्ट आइडिया क्रिएट कर रहे हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन हुए हैं और कितने मार्क्स के हैं। द रोटर इन एन अल्टरनेटर रिक्वायर्स डीसी, तो आप कभी भी अपने ट्रेनिंग पीरियड में किसी पावर प्लांट को विजिट किए होंगे, अल्टरनेटर देखे होंगे, तो उसके साथ में एक्साइटेशन सिस्टम होता है जो कि डीसी मशीन यूज़ करते हैं हम लोग इन ऑर्डर टू एक्साइट
द फील्ड वाइंडिंग ऑफ सिंक्रोनस मशीन और अल्टरनेटर। तो डीसी एक्साइटेशन सिस्टम होता है रोटर में। क्यों डीसी एक्साइटेशन होता है? क्योंकि फिक्स्ड पोल्स डीसी देने से जो पोल्स क्रिएट होंगे एन और एस पोल्स वो फिक्स्ड होंगे। अदरवाइज एसी दें तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में एन यहाँ पे होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में एन यहाँ पे होगा, अल्टरनेट होता रहेगा। इसीलिए हम लोग फिक्स्ड डीसी सप्लाई देते हैं जिससे फिक्स्ड पोल्स क्रिएट किए जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ थ्री फेज ट्रांसफार्मर कंटेन्स थ्री प्राइमरी एंड थ्री सेकेंडरी वाइंडिंग। डायरेक्ट क्वेश्चन, कोई सेंस नहीं है क्वेश्चन का, राइट? बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ, हाउ इज द वाइंडिंग ऑफ इंटरपोल कनेक्टेड विद द आर्मेचर। तो वाइंडिंग के साथ इंटरपोल, सॉरी, वाइंडिंग ऑफ इंटरपोल्स कनेक्टेड विद द आर्मेचर। तो इंटरपोल्स आर्मेचर के साथ कैसे कनेक्टेड होता है? वाइंडिंग उसकी सीरीज में कनेक्टेड होती है। तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, और कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन पूछा गया, इंटरपोल्स, कंपनसेटिंग वाइंडिंग, इन सारी चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ईएमएफ इंड्यूस इन अ कॉइल ड्यू टू द चेंज ऑफ इट्स ओन फ्लक्स लिंक्ड विथ इट इज कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। मैग्नेटिक सर्किट पढ़िए, वहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, और ट्रांसफार्मर में क्या होता है। प्राइमरी साइड में प्राइमरी सोर्स वोल्टेजेस के कारण प्राइमरी इंड्यूस वोल्टेजेस होते हैं, देन सेकेंडरी वाइंडिंग में जो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण इंड्यूस होता है, म्यूचुअल इंड्यूस वोल्टेजेस बोलते हैं उसको, आइडिया आपको मिल जाएगा। डिटेल सेशन या तो आप देखिए, वहाँ से आपको आइडिया मिलेगा। इन एन अल्टरनेटर द करेंट इज जनरेटेड इन द स्टेशनरी स्टेटर। देखिए स्टेशनरी स्टेटर, अल्टरनेटर में आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ पे होती है? स्टेशनरी स्टेटर पे होती है, राइट? तो करंट इज जनरेटेड, किस तरीके का करंट जनरेट होता है, एसी या डीसी? ऑब्वियस सी बात है, चाहे एसी मशीन हो चाहे डीसी मशीन हो, आर्मेचर में ऑलवेज और ऑलवेज एसी ही डेवलप होता है। अब डीसी मशीन अगर है तो कुछ एक्सटर्नल अरेंजमेंट करके उस डेवलप्ड एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर। और डीसी मशीन में कम्यूटेटर यूज करने की वजह से इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती है डीसी मशीन, और इतना मेंटेनेंस डीसी मशीन का हाई होता है कंपेयर टू ऑल अदर मशीन्स। डीसी मशीन मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कॉस्टली है, राइट? तो एसी ही डेवलप होगा इस आर्मेचर वाइंडिंग में। नेक्स्ट हम लोग बात करें, द स्पीड विथ विच द टर्बो अल्टरनेटर से क्वेश्चन है, 3000 RPM इज द राइट आंसर, टर्बो अल्टरनेटर। नेक्स्ट हम लोग बात करें, अल्टरनेटर इज यूज टू जनरेट, अल्टरनेटर से एसी मशीन से क्वेश्चन पूछा हुआ है, सिंक्रोनस मशीन से यूज टू जनरेट। अल्टरनेटर क्या, सिंक्रोनस जनरेटर क्या काम करेगा? एसी ही तो जनरेट करेगा ना। डीसी जनरेटर क्या काम करेगा? डीसी जनरेट करेगा। तो अल्टरनेटर इज यूज टू जनरेट एसी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कॉइल ऑफ 600 turns रेजिस्टेंस 20 ohm स्टील रिंग ऑफ मीन सरकमफेरेंस दिया हुआ है, 30 cm क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ अ रिंग इज 1600, द वैल्यू ऑफ रिलक्टेंस, रिलक्टेंस मैग्नेटिक सर्किट से अगेन क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है, वैल्यू ऑफ रिलक्टेंस पूछा हुआ है। आर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए, रो को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/σ, कंडक्टिविटी, रो इज द रेजिस्टिविटी, उसका अपोजिट क्या है, 1/σ, क्योंकि कंडक्टिविटी होता है, 1/σ एल बाई ए। तो सिमिलरली रिलक्टेंस इज इक्वल टू 1/μ, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या है कंडक्टर की, कंडक्टिविटी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है मैग्नेटिक सर्क्यूट्स में, मटेरियल की परमेबिलिटी, 1/μ लेंथ ऑफ द कोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर। तो रिलक्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला है, वैल्यूज दिए हुए हैं, पुट करिए, आंसर निकालिए। और रिलक्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, आर इज इक्वल टू वी बाई आई, वी इज इक्वल टू आई आर होता है ना, आर इज इक्वल टू वी बाई आई, isn't it? तो reluctance is equals to क्या होता है, V क्या होता है, electromotive force। तो reluctance is equals to magnetomotive force divided by current की जगह पे magnetic circuit में क्या flow करता है, flux flow करता है। तो current MMF की unit क्या होती है, ampere turns, और flux की क्या unit होती है, Weber। तो ये आपको आंसर देखने के लिए मिल रहा है, अगेन मैग्नेटिक सर्किट से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस करें, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेडिंग कॉइल इन अ शेडेड पोल मोटर। तो स्पेशल कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेडेड पोल मशीन के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि जो सेडेड पोल मशीन होती है उसमें आरएमएफ क्रिएट करने के लिए कॉइल में शेडिंग क्रिएट करते हैं टू प्रोड्यूस द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड।
क्योंकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए, वेरिएशंस प्रोवाइड करने के लिए सिंगल फेज सप्लाई के थ्रू रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं क्रिएट की जा सक रही थी, इसीलिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए कॉइल को शेडेड बना दिया था हम लोगों ने। तो ध्यान दीजिएगा, आप अगर डिटेल कोर्स में पढ़ते हैं तो आपको ये सारे टॉपिक्स वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोटर इन एन अल्टरनेटर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉसेस क्वेश्चन है ना, और लॉसेस सारी की सारी मशीन्स में हिस्टेरेसिस, एडी करंट, कॉपर लॉस, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिले सारी मशीन में, डीसी में, इंडक्शन में, सिंक्रोनस में, ट्रांसफार्मर में, कॉमन है टॉपिक्स। जो आप वोल्टेज रेगुलेशन ट्रांसफार्मर में पढ़ेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन आप सिंक्रोनस में भी पढ़ेंगे, राइट, डीसी में भी पढ़ेंगे वोल्टेज रेगुलेशन। तो चीज़ों को लिंक करके पढ़िए, जिससे आप कम समय में ज़्यादा इफेक्टिव वे में चीज़ों को यूटिलाइज कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक प्रेशर विच सेट्स अप टू टेंड्स टू सेट अप द फ्लक्स इन अ मैग्नेटिक सर्क्यूट इज कॉल्ड मैग्नेटोमोटिव फोर्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स सेटअप करने के लिए कौन सा फोर्स, कौन सा प्रेशर रिक्वायर है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स रिक्वायर है। करंट सेटअप करने के लिए कौन सा फोर्स और कौन सा प्रेशर रिक्वायर्ड है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वोल्टेज, राइट। सिंपल क्वेश्चन। तो अगेन ये मैग्नेटिक सर्किट से क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। देखिए इतने नंबर ऑफ, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं मैग्नेटिक सर्किट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोटर इन अ रोटर करंट फ्रीक्वेंसी इन अ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर डिपेंड्स ऑन। तो ऑब्वियस सी बात है, ये आपका पूछा हुआ है इंडक्शन मशीन, थ्री फेज इंडक्शन मशीन से क्वेश्चन। तो रोटर करंट फ्रीक्वेंसी इन अ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर डिपेंड्स अपॉन, तो रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वोल्टेज और करंट की, एफ आर इज इक्वल टू स्लिप टाइम्स ऑफ एफ एस होती है, तो अमाउंट ऑफ स्लिप पे डिपेंड करती है ना। सप्लाइड फ्रीक्वेंसी, स्टेटर में जो सप्लाइड फ्रीक्वेंसी वो तो फिक्स किया हुआ है आपने, अब मशीन के अकॉर्डिंग क्या चेंज होगा, मशीन के ऑपरेशन के अकॉर्डिंग, उसके स्पीड के अकॉर्डिंग स्लिप चेंज होगा, तो स्लिप पे डिपेंड करेगी रोटर की जो फ्रीक्वेंसी है, तो अमाउंट ऑफ स्लिप इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ थ्री फेज मोटर ऑपरेट विथ ओनली टू फेजेस, तो थ्री फेज की मशीन है टू फेज सप्लाई करें तो क्या होगा, थ्री फेज की मशीन है सिंगल फेज सप्लाई करें तो क्या होगा। तो इस तरीके से एनालिटिकल क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। सिंगल फेसिंग से क्वेश्चन पूछा हुआ है या टू फेसेस, इट इज कॉल्ड सिंगल फेसिंग, इट विल अल्टीमेटली मेक द मोटर टू बर्न आउट, राइट। तो ये एनालिसिस आपको पता होना चाहिए, जो कि डिटेल सेशन में आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। अगेन मैग्नेटिक सर्किट से क्वेश्चन है, तो मैग्नेटिक सर्किट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके जाइए, क्योंकि फिजिक्स के रेस्पेक्ट में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैग्नेटिक सर्किट से, और आपके मशीन के रेस्पेक्ट में भी मैग्नेटिक सर्किट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ थ्री फेज सिक्स पोल्स 50 हर्ट्ज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर विल रोटेट एट, तो NS इज इक्वल टू 120 F/P, 120 फ्रीक्वेंसी एफ दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई टी नंबर ऑफ पोल 6, तो 1000 RPM इज द राइट आंसर। डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू द चेंजिंग फ्लक्स लिंक्ड विथ इट इज कॉल्ड। प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल जनरेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू द चेंजिंग ऑफ फ्लक्स, VL इज इक्वल टू क्या होता है, LdIdt, VL इज इक्वल टू LdIdt एंड DiDt और व्हाट डू वी से, तो सेल्फ इंडक्टेंस क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ करंट, DiDt है ना, चेंज ऑफ करंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज ऑफ करंट के कारण जब वोल्टेजेस डेवलप हो, या फिर चेंज ऑफ फ्लक्स के कारण T5/dt, चेंज ऑफ फ्लक्स या फिर चेंज ऑफ करंट के कारण जब वोल्टेजेस डेवलप होता है, तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, क्या मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, इंडक्टेंस होता है। तो ध्यान दीजिएगा, डिटेल सेशन में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट है, सिंक्रोनस मोटर व्हेन यूज्ड फॉर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट शुड बी, तो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट मतलब पावर फैक्टर, रिएक्टिव पावर सप्लाई करने के लिए यूज करेंगे, कौन सी मशीन रिएक्टिव पावर सप्लाई करती है, ओवर एक्साइटेड मशीन, अंडर एक्साइटेड मशीन रिएक्टिव पावर एब्जॉर्प्शन का काम करती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ओवर एक्साइटेड मशीन में
आर्मेचर रिएक्शन का नेचर क्या होता है, करंट का नेचर कैसा होगा, लैगिंग होगा जनरेटर की केस में, मोटर की केस में लीडिंग होगा कि क्या होगा, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ये अगेन सिंक्रोनस मशीन से क्वेश्चन पूछा गया है, सिंक्रोनस मशीन से भी अच्छे खासे क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, द आर्मेचर करंट ऑफ सिंक्रोनस मोटर हैज अ लार्ज वैल्यू फॉर बोथ लो एंड हाई एक्साइटेशन। वी इन्वर्टेड वी कर्व, सिंक्रोनस मशीन से अगेन क्वेश्चन है, इन्वर्टेड वी और वी कर्व का एनालिसिस अगर आपको पता है या फिर फेजर डायग्राम का एनालिसिस पता है तो करेक्ट ऑप्शन है बोथ लो एंड हाई एक्साइटेशन में आर्मेचर करंट ऑफ सिंक्रोनस मोटर हैज लार्ज वैल्यू, राइट। तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। डिटेल सेशन में इसके बारे में हम लोग बहुत डीपली एनालाइज करेंगे चीज़ों को एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सिलेबस और एग्जाम। तो आशा करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिले, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या एनालिसिस है इनका, बहुत ज़्यादा डेप्थ है क्या, ऐसा कुछ नहीं है, पढ़िए बहुत बेहतरीन तरीके से, डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें आरआरबी जेई 2024 का जो एग्जाम है उसके लिए 7900 पोस्ट है और गेट एकेडमी का जो कोर्स है वो 777 रुपीज़ में बोथ CBT 1 एंड CBT 2 कवर कराया जा रहा है। जिस दिन आप परचेस करते हैं कोर्स उसी डे वन से ही सारे के सारे वीडियोज आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आप इफेक्टिव वे में कम समय में ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर सकें, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लिमिटेड है और स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह आप फॉलो मत करिए, टाइम बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। कोर्स ले लीजिए, अच्छा कोच होगा, अच्छा कोर्स होगा, तो कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टाइम आपका बहुत ज़्यादा बचेगा और टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ सेलेक्शन, राइट। आरआरबी जेई 2024 का जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 30 जुलाई 2024 से एंड लास्ट डेट टू अप्लाई 29th ऑफ अगस्त 2024 है। तो इन डेट्स का ध्यान रखिएगा, इस डेट के ड्यूरेशन में आप एग्ज़ाम फिल कर लीजिए, एग्ज़ाम फिल करते समय जरूरी सावधानी बरतिए। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन, नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग मिलते हैं। अगर आपका सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर इस तरीके का जो क्वेश्चन डिस्कशन है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और भी सब्जेक्ट के लिए चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, हम लोग प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, राइट, कंटेंट प्रिपेयर करेंगे उसके लिए। और अगर आपको चाहिए यूट्यूब में तो, और भी क्या रिक्वायरमेंट है आपका कमेंट सेक्शन में आप बताइए, हम लोग वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।